परिजनों द्वारा और कुछ लड़कों को और कुछ लोगों को बुला के हॉस्पिटल में जाके कुछ जैसा आरोप लगाया जा रहा है उसके अनुसार जो है कुछ डॉक्टर्स के साथ जो है मारपीट और उसके बाद दो हॉस्टल्स के बिरला हॉस्टल और रुइया हॉस्टल के और धनवंत के हॉस्टल के लड़कों के बीच आपस में कुछ विवाद शुरू हुए और छुटपुट जो है झड़पें हुई और उसी में आपस में टकराव हुआ और उसके बाद मौके पर जो पुलिस फोर्स पहुँची थी उसके द्वारा जो है मिलाने की कोशिश की गई। रात के जो है लाइट भी वहाँ पर कम थी और हॉस्टल से रुक रुक के नारेबाजी और एक दूसरे के ऊपर गाली गलौज और रुक रुक के टकराव हुआ। सुबह उनसे वार्ता की गई, उसमें ये पाया गया कि कुछ लड़के हॉस्टल में जो है रखे हुए हैं, उनको पकड़ के रखा गया है। तो उन लड़कों को छुड़ा के पुलिस के द्वारा उनको हैंड ओवर किया गया और पूरे प्रकरण में जो है यूनिवर्सिटी प्रशासन से भी एक डिटेल वार्ता हुई है। उन्होंने भी अपनी एक रणनीति बनाई है, पुलिस भी अपना फोर्स डिप्लॉय करके हम लोग रात से जो है सिचुएशन पर नज़र बनाए रखे हुए और कोशिश किया जा रहा है सारी सिचुएशन कंट्रोल में। फिलहाल सिचुएशन काफ़ी नॉर्मल हुई है पर फिर भी कुछ टेंस है, हम लोग वॉचफुल हैं और जो खराब है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में देर रात शुरू हुआ बवाल अभी तक थमने को नाम नहीं ले रहा। वहीं जिला प्रशासन की हम बात करें तो जिला प्रशासन ने पूरे विश्वविद्यालय को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया है। लगभग आधा दर्जन थानों की फोर्स यहां पर लगा दी गई है। वहीं हम सुबह की बात करें तो धन्वंतरी के छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया गया और अभी की अगर हम बात करें तो SSP DM कुलपति आवास में मीटिंग कर रहे हैं। एक बात और सुनने में आई है कि जो कल का बवाल हुआ है उसको लेते हुए जूनियर डॉक्टर जो हैं वो हड़ताल पर जा सकते हैं। अभी भी हम आपको दिखा सकते हैं कि कुछ जो पुलिस है पूरी तरह से विश्वविद्यालय को छावनी में बनाए, अभी भी बिरला चौराहे पे छात्र धरने पे बैठे हुए हैं। इस तरह अभी तक पूरे विश्वविद्यालय का माहौल अशांत है और हम आपको बताते चले कि अभी तक मीटिंग यहाँ पे उसी तरह चल रहा है। ये बात समझ में नहीं आ रही है कि महामना की बगिया को आखिर क्यों बार बार जलना पड़ता है। वाराणसी से आशुतोष उपाध्याय ETV।